सो वेलकम टू AM मैथ्स ट्यूटोरियल। एक्सट्रीमा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का एक हमारा आज का फिर लेक्चर है, लेक्चर नंबर हम 4 कह सकते हैं इसको। रिलेटेड टॉपिक्स और मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। तो इसको हम मॉडिफाई करके देखेंगे और कैसे करेंगे, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक्स यूज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दे लें, हमारा क्या कह रहा है कि टू डिवाइड 24 इंटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट कंटिन्यू प्रोडक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए इस तरह का जो कंडीशन उसने फुलफिल कह रहा है। तो सिंपल सा आप जानते हो, तो मान लेंगे हम पहले कि लेट एक्स वाई जेड बी थ्री नंबर्स, ठीक है, थ्री नंबर्स को हम मान लेते हैं, नंबर हूज सम इज 24। तो हम इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट अगर हम कहें जेड इक्वल टू, हम क्या मान सकते हैं, 24 माइनस एक्स माइनस वाई, इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आप, ठीक है, क्वेश्चन 1 हम इसको कंसिडर कर लें। अब जो फंक्शन की बात हो रही है, अब यहीं पे थोड़ा सा हमें ट्रिक्स यूज करना है। पहले एक नॉर्मल हम फंक्शन की बात करें तो हम फंक्शन के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फंक्शन जो हमारा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। अगर आप इसको, अब ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज, एक्स वाई जेड अगर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको हम थर्ड मानते हैं, तो मान लीजिए अगर ऑर्डर हम चेंज करके इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड मान लें तो क्या दिक्कत है, ठीक है, कि जस्ट उल्टा कर लें तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मतलब ये इसके जगह ऐसा लेकर के ना हम इस तरह से फंक्शन को कंसिडर करें, एफ एक्स जो है वो, मतलब जेड जो हमारा है जेड और ये थर्ड है, मतलब जेड वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरह से हम इसको अगर फंक्शन को कंसिडर करें तो हमारा थोड़ा सा वर्क जो होगा ना फ्रेंड्स वो आसान होगा। देखिए कैसे हम इसको क्यों कर रहे हैं कि जैसे ये तो हमारा है ना, तो हम इसको अब कैसे भी लिखें, z प्लस वाई प्लस एक्स लिख दें तो भी 24 ही मिलेगा, सम है तो हमारी ऑर्डर हम सीक्वेंस किसी को मान सकते हैं, जैसे भी हमारी मर्जी हो उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा जिस फॉर्मेट में हम पढ़ते आ रहे हैं एक्स और डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई के फॉर्मेट में, नहीं तो उससे फिर दूसरे प्रोसीजर से जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन हमारा, और होगा कुछ नहीं बट कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इस तरह से हम वर्कआउट हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो अब अगर इस फंक्शन को हमें बदलना है, टू वेरिएबल्स में हम बदल देंगे तो एफ बराबर क्या हमें मिलेगा, तो एफ बराबर जो मिल जाएगा, अब एक्स क्यू वाई स्क्वायर और जेड की वैल्यू 24 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसके बारे में हम बात कर पाएंगे, तो हमारा जो रिजल्ट बेटर होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर पाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं हम अपने रिजल्ट्स पे। अब तो एफ फंक्शन मिल जाएगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आगे के क्वेश्चन सॉल्यूशंस को हमें फाइंड आउट करना है, तो अब आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ जो हमारा फंक्शन मिलेगा फ्रेंड्स 24 एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू और वाई क्यू, ये फंक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे के क्वेश्चन को वर्कआउट करना है, ये लॉजिकल वे में हम इसको जाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, पहले 2 हो गए इस 3। अब पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक को फाइंड आउट करेंगे हम, पहले डेल एफ डेल एक्स की बारी है, तो डेल एफ डेल एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसका एस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस 3
एक्स स्क्वायर वाई क्यू, ये मिल जाएगा। अब अगर हम इसी से डेल ऑफ डेल डेल टू एफ डेल वाई एक्स स्क्वायर निकालें यहाँ से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 72, मतलब 144 मिल जाएगा हमें। ध्यान रखिएगा 144 एक्स वाई स्क्वायर, इससे माइनस 12x स्क्वायर और y स्क्वायर और माइनस 6xy क्यूब, जो हमारा फाइंड आउट मिलेगा हमें इस वाले सेक्शंस के करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6xy क्यूब। ये डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर मिल गया, जिसको हम कहते हैं r, ये हमारा r। अब आगे के पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट डेल टू एफ सॉरी डेल एफ डेल वाई पहले, नॉट डेल टू एफ, सो डेल एफ डेल वाई की बारी है। तो डेल एफ डेल वाई की बारी हम यहाँ से निकालेंगे, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो हो जाएगा 48 एक्स की वाई माइनस 2x के पावर 4y माइनस जो होगा हमारा 3x क्यूब y स्क्वायर, ठीक। अब डेल टू एफ डेल y स्क्वायर की बात कर लें तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 48x क्यूब माइनस 48x क्यूब माइनस मिलने के बाद, अब जैसे ही फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे इस वाले का फिर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 सॉरी y के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसके y के रिस्पेक्ट में मिलेंगे तो 2x के पावर 4 मिल जाएगा एंड माइनस इसका जैसे करेंगे आप 2 3 6 6x की y, ये मिल जाएगा हमें डेल टू एफ डेल y स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं t। अब s की बारी है s, सो दिस इज डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, तो डेल बाई डेल एक्स। अब जो फंक्शन है ये हमारा, इसका x के रिस्पेक्ट में करना, तो हम पहले लिख लें 48x की y माइनस 2x के पावर 4y माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर, ठीक। अब कर लेते हैं तो अब इसका हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3 8 24 हो गया और फिर 3 4 12 144 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, माइनस 8x की वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज, अब जो हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस बन रहे हैं उनको भी बनाते चले हम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4 हो गया, इसको 5 कर लीजिए, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो गया और दिस इज 8। तो ये तो वैल्यूज हमके हमारी हो गई, किसकी सभी वैल्यू r s t और समथिंग, बट अब हमें मैक्सिमम मिनिमा के लिए जाना है, फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए जाना है। तो अब आगे आते हैं हम फिर से अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर आगे के रिजल्ट्स को करने के लिए, कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ व्यू से हम आते हैं अपने अगले फंडा पर, जो हमारा रिजल्ट्स मॉडिफाई करके बताएगा हमें कि आगे वाले जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं हमारे आर एस टी जो हमने निकाले हैं वो कहाँ से निकलेंगे। तो पहला, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा आप जानते ही हो, डेल एफ डेल एक्स 0 डेल एफ डेल वाई 0, ये दोनों 0 होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसी पे काम वर्कआउट करेंगे और फाइंड करने की वैल्यू को कोशिश करेंगे कि हमारा जो है क्या होगा। सो पहला हमारा जो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है अब उसको हमने निकाला हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लें अभी
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई ऑफ क्यू इक्वल टू जीरो, ये हमारा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो अब यहाँ से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, 72 माइनस 4x हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3y बराबर जीरो। ठीक, तो ये तो इक्वल्स नहीं होगा, तो मतलब हमारा जो रिजल्ट्स मिल जाएगा पहला 4x प्लस 3y बराबर 72, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 9। ठीक, अब आगे वाला सेंस जो हमारा है यहाँ पर डेल एफ डेल वाई बराबर जीरो, सो डेल एफ अपॉन डेल वाई इज जीरो है और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडीज निकाली हुई है 48 एक्स क्यू वाई माइनस 2x के पावर 4y माइनस 3x क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखना है क्या कॉमन है, तो इसमें एक्स क्यू वाई कॉमन है, तो एक्स क्यू वाई कॉमन जैसे करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 48 माइनस 2x और यहाँ पे बच जाएगा 3y बराबर जीरो, और सिंपलीफाइंग करेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 2x प्लस 3y बराबर 48। इक्वेशन नंबर 10 हो गया ये। अब हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, सॉल्विंग 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा उसको हम समझ लें। तो यहाँ से हम जो रिज़ल्ट मिला हम अब इसमें से क्या करेंगे, 9 जो है उसमें से 10 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट जैसे करेंगे ये साइन चेंजेस हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा 2x बराबर 48 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 24 माइनस मिलेगा, और ये अगर ये कर रहे हैं तो प्लस मिल जाएगा, तो x बराबर हमें मिल गया 12। एक्स की वैल्यू जो है वो 12 मिल गई हमें। अब x इक्वल टू 12 रख करके कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x इक्वल टू 12 जैसे मिल गया हमें 12 मिनट से आ गया और 6 2, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 इसी में रख दो आप, फ्रॉम 10 तो रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 24 मतलब 8, तो x और y मिल गया हमें 8। ठीक है, अब आगे के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को हम करेंगे। तो आगे जैसे हम एक्स वाई मिल गया, अब देखते हैं तो हमारा जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 24, तब यहाँ पे रख लीजिए 12 प्लस 8 प्लस जेड बराबर 24 इम्प्लाई दैट z इक्वल क्या 12 8 20 4, तो मतलब हमें x y z ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जो x हमारा कितना है 12 मिल गया, ये कितना मिल गया 8 मिल गया, ये 4 मिल गया, तो ये x y z मिल गया। डिवीज़न इनका होगा 4 8 12 मतलब 24, तो ये क्लियर हो गया कि हमारा 4 8 12 जो है 12 8 4 जो है ये डिवीज़न हो गया। बट अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये डिसाइड करना है हमें, तो अब हमें इसके लिए जो है आर टी माइनस एस स्क्वायर की बात करनी होगी क्या मिलेगा, और आर की बात करनी होगी किस पॉइंट पर, एट 12 और 8 पर जो है ना, एट 12 8 पर इसकी बात हमें करनी होगी। तो आप जैसे उन पर पुटअप करके फाइंड आउट करिएगा, जो रिजल्ट्स मुझे मिला है मैं उसके बाद कर ले रहा हूँ आपको। तो ये आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है टोटल फाइनली मिल जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे तो ये मिला है 7644119 04, इट मीन्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड आर जो है आर हमें मिलेगा, आर की बात हम करेंगे माइनस 36864 लेस देन ज़ीरो,
ये अब कहाँ से मिल रहा है इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, तो इसको हम थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ मैं कहाँ से मिल रहा है। ये वैल्यू देखिए, ये जो है ना इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में हमें यहाँ पे रख करके सिंपल सा निकालना है। ये रहा हमारा आर इस वाले सेंस में, ये इसमें रखना है और इस वाले वैल्यूज में रखना है, ये जो है इसमें रखना है और एस जो हमारा है इस वाले में रखना है, ये हमारा एस है। तो ये लंबा कैलकुलेशन है, इसमें आप पुटअप करके जब वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक रिजल्ट्स जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे अब बात करते हैं सिंपल सा कि आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे करना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा वे था हमारा इस क्वेश्चन को करना, तो ये लेस देन जीरो मिल गया। तो अब हमें जो वर्कआउट करना है स्टूडेंट्स, ये समझना है कि हमें आगे क्या करना है। तो जैसे ये हमें फाइंड आउट हो गया तो अब इससे क्या डिसाइड होता है कि जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम मिलता है इस कंडीशंस के लिए। तो ये हमारा किसके लिए, फॉर 12, 8 एंड 4, जो 24 का डिवीजन है। तो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये आपको निकालना होगा थोड़ा सा वर्कआउट करके, जो थोड़ा सा आपको मेहनत वाला कार वर्कआउट हो सकता है एट इस पर फाइंड आउट करके। तो एक बेसिक क्वेश्चंस, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था हमारा इस तरह के क्वेश्चंस को करना। तो एक छोटा सा लॉजिक वे में हम इसको अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू में समझा सकूँ मैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा क्या एक पन्ने में हमारा रिजल्ट्स मिल जाए थोड़ा सा बेटर, ठीक है। तो ज़्यादा छोटा है बट थोड़ा सा समझने का प्रयास कर देते हैं। सिर्फ फंक्शन के बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर, ये फंक्शन दिया हुआ है और हमने मान लेंगे हम एफ एक्स वाई जेड इसको मान लेंगे, तो और ये डिफिनीशन है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, नोट करके आप इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ये इसी पॉइंट से हमने आगे का वर्क किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक हल है। और ये जो हमने निकाला है यहाँ से, ये जो आर एस टी जो है यहाँ से फाइंड आउट होंगे, तो ये एक फंडामेंटल टास्क के साथ हम करेंगे तो हमें ऑलरेडी रिजल्ट्स बेटर मिलेगा। तो आर और एस टी सब सेपरेट सेपरेट निकाल करके फिर हम यहाँ पे वर्कआउट कर पाएंगे, तो एक बेटर वे में हम इसको क्वेश्चंस को कर पाएंगे, दैट इज़ अ मैक्सिमम वे। तो ये हमारा एक फंडामेंटल क्वेश्चंस का टाइप है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको एग्जाम में करने आना पड़ेगा, अगर आता है तो दैट इज़ द बेटर, ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम और बेटर करने का कोशिश करते हैं कि कैसे और बेटर हम इसको कर पाएंगे, बट ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहा हमारा इस क्वेश्चंस के सोल्यूशन का कि एक एक क्वेश्चन से एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम सीधे सीधे कैसे स्ट्रेटवर्ड फॉरवर्ड कर पाते हैं। सो दिस इज, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।